Dear students, in this video we will study angular momentum, class 11 physics, chapter 7, rotational motions. Suppose जैसा पहले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और टॉर्क एंड एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा है, कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनके मास m1 m2 m3 और एक्सिस से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस m1 पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, m2 मास वाले पार्टिकल का डिस्टेंस r2 है, पूरी बॉडी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, तो सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी, बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी v1 v2 v3 इस तरह से। अब डेफिनेशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, मींस जो भी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का मोमेंट्स लीजिए, उसका सम जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट हमें लेना है। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू स्पीड एंगल। सो कम हियर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एन इक्वल सिग्मा पी आर, सिग्मा मीन समेशन, फर्स्ट पार्टिकल के लिए पी आर, सेकंड के लिए पी आर, थर्ड के लिए इसका हमने लिखा, बट पी इक्वल क्या होता है? पी इक्वल होता है एम लीनियर मोमेंटम, तो हमने इसको लिखा है p1 को m1 v1, p2 को m2 v2, r अपनी जगह एज इट इज मल्टीप्लाई कर सभी पार्टिकल्स के लिए क्रिया का सम कर दिया है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल्स r ओमेगा, तो हमने v1 को लिखा r1 ओमेगा, v2 को r2 ओमेगा, और इस पूरे को सॉल्व कर दिया हमने सभी पार्टिकल्स के लिए सम कर दिया, तो जैसा आप देख रहे हैं ओमेगा को कॉमन आ जाएगा सभी जगह से और ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो हमने सॉल्व किया इसको, तो क्या हमने मिला? सिग्मा r स्क्वायर, और सिग्मा r स्क्वायर क्या होता है? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है एंड ओमेगा, सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स i ओमेगा, एंड यूनिट क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा की क्या होगी? थीटा होगी, मींस रेडियन पर सेकंड, तो पर सेकंड लिखा हमने, तो ये हमारी यूनिट आ गई। अगर बॉडी यूनिट एंगल पर मूव्स मींस ओमेगा इक्वल 1 यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेशन कर रही हो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकली ओनली न्यूमेरिकली वैल्यू। थैंक यू।